मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार मंगलवार को यानी 28 जनवरी की शाम 4 बजे होगा। राजभवन में 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अभी सोरेन मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है, जबकि कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। इससे पहले 24 जनवरी को हेमंत सोरेन को मंत्रिमंडल के विस्तार की अनुमति मिली थी, लेकिन चाईबासा में मारे गए 7 आदिवासी युवकों के परिजनों से मिलकर लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से राजेंद्र सिंह, दीपिका पांडे, बन्ना गुप्ता और झामुमो से स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, जोबा मांझी, जगन्नाथ महतो, दीपक बेरुआ और साथ ही मथुरा प्रसाद महतो के नाम की चर्चा है। इस बार हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार और विभाग के खाके पर अंतिम सहमति बना ली है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कांग्रेस से कितने मंत्री बनेंगे और उन्हें कौन कौन से पद दिए जाएंगे।